कल 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी की जन्मतिथि है। यह दिन पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि देता हूँ और इस अवसर पर आप सभी को उनके योगदान की याद भी दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने 1928 में, 1932 में, 1936 में ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम सभी क्रिकेट प्रेमी ब्रेडमैन का नाम जानते हैं। उन्होंने ध्यानचंद जी के लिए कहा था, ही स्कोर्स गोल्स लाइक रन्स। ध्यानचंद जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और देशभक्ति की एक जीती जागती मिसाल थे। एक बार कोलकाता में एक मैच के दौरान एक विपक्षी खिलाड़ी ने ध्यानचंद जी के सर पर हॉकी मार दी। उस समय मैच खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी था और ध्यानचंद जी ने उन 10 मिनट में 3 गोल कर दिए और कहा कि मैंने चोट का बदला गोल से दे दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे जब भी मन की बात का समय आता है तो माय गॉव पर या नरेंद्र मोदी ऐप पर अनेकों अनेक सुझाव आते हैं, विविधता से भरे हुए होते हैं। लेकिन मैंने देखा कि इस बार तो ज़्यादातर हर किसी ने मुझे आग्रह किया कि रियो ओलंपिक के संबंध में आप जरूर कुछ बातें करें। सामान्य नागरिक का रियो ओलंपिक के प्रति इतना लगाव, इतनी जागरूकता और देश के प्रधानमंत्री पर दबाव करना कि इस पर कुछ बोलो, मैं इसको एक बहुत सकारात्मक देख रहा हूँ। क्रिकेट के बाहर भी भारत के नागरिकों में और खेलों के प्रति भी इतना प्यार है, इतनी जागरूकता है और इतनी जानकारियाँ है। मेरे लिए तो ये संदेश पढ़ना ये भी एक अपने आप में बड़ा प्रेरणा का कारण बन गया। एक श्रीमान अजीत सिंह ने नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखा है, कृपया इस बार मन की बात में बेटियों की शिक्षा और खेलों में उनकी भागीदारी पर जरूर बोलिए, क्योंकि रियो ओलंपिक में मेडल जीतकर उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। कोई श्रीमान सचिन लिखते हैं कि आपसे अनुरोध है कि इस बार के मन की बात में सिंधु, साक्षी और दीपा कर्माकर का जिक्र जरूर कीजिए। हमें जो पदक मिले बेटियों ने दिलाए, हमारी बेटियों ने एक बार फिर साबित किया कि वे किसी भी तरह से किसी से भी कम नहीं है। इन बेटियों में एक उत्तर भारत से हैं तो एक दक्षिण भारत से हैं, तो कोई पूर्व भारत से हैं तो कोई हिंदुस्तान के किसी और कोने से हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे भारत की बेटियों ने देश का नाम रोशन करने का बेड़ा उठा लिया है। माय गॉव पर शिखर ठाकुर ने लिखा है कि हम ओलंपिक में और भी बेहतर कर सकते थे। उन्होंने लिखा है, आदरणीय मोदी सर, सबसे पहले रियो में हमने जो 2 मेडल जीते उसके लिए बधाई, लेकिन मैं इस और आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि क्या हमारा प्रदर्शन वाकई अच्छा था? और जवाब है नहीं। हमें खेलों में लंबा सफर तय करने की जरूरत है। हमारे माता पिता आज भी पढ़ाई और एकेडमिक्स पर फोकस करने पर जोर देते हैं। समाज में अभी भी खेल को समय की बर्बादी माना जाता है। हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। समाज को मोटिवेशन की जरूरत है और ये काम आपसे अच्छी तरह कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही कोई श्रीमान सत्य प्रकाश मेहरा जी ने नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखा है, मन की बात में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर फोकस करने की जरूरत है, खास तौर से बच्चों और युवाओं को खेलों के लेकर के। एक प्रकार से यही भाव हजारों लोगों ने व्यक्त किया है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी आशा के अनुरूप हम प्रदर्शन नहीं कर पाए। कुछ बातों में तो ऐसा भी हुआ कि जो हमारे खिलाड़ी भारत में प्रदर्शन करते थे
यहाँ के खेलों में जो प्रदर्शन करते थे वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए, और पदक तालिका में तो सिर्फ दो ही मेडल मिले हैं। लेकिन ये भी सही है कि पदक न मिलने के बावजूद भी अगर जरा गौर से देखें तो कई विषयों में पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा करतब भी दिखाया है। अब देखिए, शूटिंग के अंदर हमारे अभिनव बिंद्रा जी ने, वे चौथे स्थान पर रहे और बहुत ही थोड़े से अंतर से वो पदक चूक गए। जिम्नास्टिक में दीपा कर्माकर ने भी कमाल कर दी, वो चौथे स्थान पर रही, बहुत थोड़े अंतर के चलते मेडल से चूक गई। लेकिन ये बात हम कैसे भूल सकते हैं कि ओलंपिक के लिए और ओलंपिक फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बेटी है। कुछ ऐसा ही टेनिस में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी के साथ हुआ। एथलेटिक्स में हमने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया, पीटी उषा के बाद 32 साल में पहली बार ललिता बाबर ने ट्रैक फील्ड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया। आपको जानकर के खुशी होगी, 36 साल के बाद महिला हॉकी टीम ओलंपिक तक पहुंची। पिछले 36 साल में पहली बार मेंस हॉकी नॉकआउट स्टेज तक पहुंचने में कामयाब रही। हमारी टीम काफी मजबूत है, और मजेदार बात यह है कि अर्जेंटीना जिसने गोल्ड जीता वो पूरी टूर्नामेंट में एक ही मैच हारी, और हराने वाला कौन था? भारत के खिलाड़ी थे। आने वाला समय निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छा होगा। बॉक्सिंग में विकास कृष्ण यादव क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे लेकिन ब्रांज नहीं पा सके। कई खिलाड़ी जैसे उदाहरण के लिए अदिति अशोक, दत्तू भोकनल, अतनु दास, कई नाम हैं जिनके प्रदर्शन अच्छे रहे। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन जो करते आए हैं वैसा ही करते रहेंगे तो शायद हम फिर निराश होंगे। मैंने एक कमिटी की घोषणा की है, भारत सरकार इन हाउस इसकी गहराई में जाएगी, दुनिया में क्या क्या प्रैक्टिसेस हो रही है उसका अध्ययन करेगी, हम अच्छा क्या कर सकते हैं उसका रोड मैप बनाएगी। 2020, 2024, 2028 एक दूर तक की सोच के साथ हमने योजना बनानी है। मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसी कमेटियां बनाएं और खेल जगत के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक एक राज्य क्या कर सकता है, राज्य अपने एक खेल दो खेल पसंद करें क्या ताकत दिखा सकता है। मैं खेल जगत से जुड़े एसोसिएशन से भी आग्रह करता हूं कि वे भी एक निष्पक्ष भाव से ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, और हिंदुस्तान में हर नागरिक से भी मैं आग्रह करता हूं कि जिसको भी उसमें रुचि है वो मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर सुझाव भेजें, सरकार को लिखे, एसोसिएशन चर्चा कर करके अपने मेमोरेंडम सरकार को दे, राज्य सरकारें चर्चाएं कर करके अपने सुझाव भेजें, लेकिन हम पूरी तरह तैयारी करें। और मुझे विश्वास है कि हम जरूर 125 करोड़ देशवासी, 65% युवा जनसंख्या वाला देश खेल की दुनिया में भी बेहतरीन स्थिति प्राप्त करें, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे देशवासियों, 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। मैं कई वर्षों से शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों के साथ काफी समय बिताता रहा और एक विद्यार्थी की तरह बिताता था। इन छोटे छोटे बालकों से भी मैं बहुत कुछ सीखता था। मेरे लिए 5 सितंबर शिक्षक दिवस भी था और मेरे लिए शिक्षा दिवस भी था। लेकिन इस बार मुझे G20 समिट के लिए जाना पड़ रहा है, तो मेरा मन कर गया कि आज मन की बात में ही मेरे इस भाव को मैं प्रकट करूं। जीवन में जितना माँ का स्थान होता है उतना ही शिक्षक का स्थान होता है, और ऐसे भी शिक्षक हमने देखे हैं कि जिनको अपने से ज्यादा अपनों की चिंता होती है।
वो अपने शिष्यों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए अपनी जीवन खपा देते हैं। इन दिनों रियो ओलंपिक के बाद चारों तरफ पुलेला गोपीचंद जी की चर्चा होती है। वे खिलाड़ी तो हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छा शिक्षक क्या होता है उसकी मिसाल पेश की है। मैं आज गोपीचंद जी को एक खिलाड़ी से अतिरिक्त एक उत्तम शिक्षक के रूप में देख रहा हूं, और शिक्षक दिवस पर पुलेला गोपीचंद जी को, उनकी तपस्या को, खेल के प्रति उनके समर्पण को, और अपने विद्यार्थियों की सफलता में आनंद पाने के उनके तरीके को सैल्यूट करता हूं। हम सबके जीवन में शिक्षक का योगदान हमेशा हमेशा महसूस होता है। 5 सितंबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और देश उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। वे जीवन में किसी भी स्थान पर पहुंचे, लेकिन अपने आप को उन्होंने हमेशा शिक्षक के रूप में ही जीने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, वो हमेशा कहते थे, अच्छा शिक्षक वही होता है जिसके भीतर का छात्र कभी मरता नहीं है। राष्ट्रपति का पद होने के बाद भी शिक्षक के रूप में जीना, और शिक्षक मन के नाते भीतर के छात्र को जिंदा रखना, ये अद्भुत जीवन डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जी करके दिखाया। मैं भी कभी कभी सोचता हूं तो मुझे तो मेरे शिक्षकों की इतनी कथाएं याद है, क्योंकि हमारे छोटे से गांव में तो वही हमारे हीरो को हुआ करते थे। और लेकिन मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि मेरे एक शिक्षक, अब उनकी 90 साल की आयु हो गई है, आज भी हर महीने उनकी मुझे चिट्ठी आती है, हाथ से लिखी हुई चिट्ठी आती है। महीने भर में उन्होंने जो किताबें पढ़ी हैं उसका कहीं ना कहीं जिक्र आता है, कोटेशंस आता है। महीने भर मैंने क्या किया, उनकी नजर में वो ठीक था नहीं था, जैसे आज भी मुझे क्लासरूम में वो पढ़ाते हो, वे आज भी मुझे एक प्रकार से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करा रहे हैं। और 90 साल की आयु में भी उनके जो हैंड राइटिंग्स हैं, मैं तो आज भी हैरान हूं कि इस अवस्था में भी इतने सुंदर अक्षरों से वो लिखते हैं, और मेरे स्वयं के अक्षर बहुत ही खराब है। इसके कारण जब भी मैं किसी के अच्छे अक्षर देखता हूं तो मेरे मन में आदर बहुत ज्यादा ही हो जाता है। जैसे मेरे अनुभव हैं, आपके भी अनुभव होंगे, आपके शिक्षकों से आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है अगर दुनिया को बताएंगे तो शिक्षक के प्रति देखने के रवैये में बदलाव आएगा, एक गौरव होगा, और समाज में हमारे शिक्षकों का गौरव बढ़ाना हम सबका दायित्व है। आप नरेंद्र मोदी ऐप पर अपने शिक्षक के साथ फोटो हो, अपने शिक्षक का साथ की कोई घटना हो, अपने शिक्षक की कोई प्रेरक बात हो, आप जरूर शेयर कीजिए। देखिए, देश में शिक्षक के योगदान को विद्यार्थियों की नज़र से देखना, ये भी अपने आप में बहुत मूल्यवान होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में गणेश उत्सव आने वाला है, गणेश जी विघ्नहर्ता है, और हम सब चाहें कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारे परिवार, हमारा हर व्यक्ति, उसका जीवन निर्विघ्न रहे। लेकिन जब गणेश उत्सव की बात करते हैं तो लोकमान्य तिलक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा ये लोकमान्य तिलक जी की देन है। सार्वजनिक गणेश उत्सव के द्वारा उन्होंने इस धार्मिक अवसर को राष्ट्र जागरण का पर्व बना दिया, समाज संस्कार का पर्व बना दिया, और सार्वजनिक गणेश उत्सव के माध्यम से समाज जीवन को स्पर्श करने वाले प्रश्नों की बृहत चर्चा हो, कार्यक्रमों की रचना ऐसी हो कि जिसके कारण समाज को नया ओज, नया तेज मिले, और साथ साथ उन्होंने जो मंत्र दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बात केंद्र में रहे, आजादी के आंदोलन को ताकत मिले। आज भी
अब तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में सार्वजनिक गणेशोत्सव होने लगे हैं। सारे नौजवान इसे करने के लिए काफी तैयारियां भी करते हैं, उत्साह भी बहुत होता है। और कुछ लोगों ने अभी भी लोकमान्य तिलक जी ने जिस भावना को रखा था उसका अनुसरण करने का भरपूर प्रयास भी किया है। सार्वजनिक विषयों पर वो चर्चाएं रखते हैं, निबंध स्पर्धाएं करते हैं, रंगोली स्पर्धाएं करते हैं, उसकी जो झांकियां होती है उसमें भी समाज को स्पर्श करने वाले इश्यूज को बड़े कलात्मक ढंग से उजागर करते हैं। एक प्रकार से लोक शिक्षा का बड़ा अभियान सार्वजनिक गणेशोत्सव के द्वारा चलता है। लोकमान्य तिलक जी ने हमें स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये प्रेरक मंत्र दिया। लेकिन हम आजाद हिंदुस्तान में हैं, क्या सार्वजनिक गणेशोत्सव सुराज हमारा अधिकार है? हम सुराज की ओर आगे बढ़े, सुराज हमारी प्राथमिकता हो, इस मंत्र को लेकर के हम सार्वजनिक गणेशोत्सव से संदेश नहीं दे सकते हैं क्या? आइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। ये बात सही है कि उत्सव समाज की शक्ति होता है, उत्सव व्यक्ति और समाज के जीवन में नए प्राण भरता है, उत्सव के बिना जीवन असंभव होता है। लेकिन समय की मांग के अनुसार उसको ढालना भी पड़ता है। इस बार मैंने देखा है कि मुझे कई लोगों ने खास करके गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा उन चीजों पर काफी लिखा है और उनको चिंता हो रही है पर्यावरण की। कोई श्रीमान शंकर नारायण प्रशांत करके हैं, उन्होंने बड़े आग्रह से कहा है कि मोदी जी आप मन की बात में लोगों को समझाइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई गणेश जी की मूर्तियों का उपयोग न करें, क्यों न गांव के तालाब की मिट्टी से बने हुए गणेश जी का उपयोग न करें, पीओपी की बनी हुई प्रतिमाएं पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं होती है। उन्होंने तो बहुत पीड़ा व्यक्त की है और उन्हें भी की है। मैं भी आप सबसे प्रार्थना करता हूं, क्यों न हम मिट्टी का उपयोग करके गणेश की मूर्तियां, दुर्गा की मूर्तियां हमारी उस पुरानी परंपरा पर वापस क्यों ना आए। पर्यावरण की रक्षा, हमारे नदी तालाबों की रक्षा, उसमें होने वाले प्रदूषण से इस पानी के छोटे छोटे जीवों की रक्षा, ये भी ईश्वर की सेवा ही तो है। गणेश जी विघ्न हरता है, तो हमें ऐसे गणेश जी नहीं बनाने चाहिए जो विघ्न पैदा करें। मैं नहीं जानता हूं मेरी इन बातों को आप किस रूप में लेंगे, लेकिन ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, कई लोग हैं और मैंने कईयों के विषय में कई बार सुना है। पुणे के एक मूर्तिकार श्रीमान अभिजीत धोड़फले, कोल्हापुर की संस्थाएं निसर्ग मित्र, विज्ञान प्रबोधिनी, विदर्भ क्षेत्र में निसर्ग कट्टा, पुणे की ज्ञान प्रबोधिनी, मुंबई के गिरगावाचा राजा, ऐसी अनेक विध संस्थाएं व्यक्ति मिट्टी के गणेश के लिए बहुत मेहनत करते हैं, प्रचार भी करते हैं। इको फ्रेंडली गणेश उत्सव, ये भी एक समाज सेवा का काम है। दुर्गा पूजा के बीच अभी समय है, अभी हम तय करें कि हमारे उन पुराने परिवार जिस मूर्तियां बनाते थे उनको भी रोजगार मिलेगा, और तालाब या नदी की मिट्टी से बनेगा तो फिर से उसमें जाकर के मिल जाएगा, तो पर्यावरण की भी रक्षा होगी। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत रत्न मदर टेरेसा, 4 सितंबर को मदर टेरेसा को संत की उपाधि से विभूषित किया जाएगा। मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन भारत में गरीबों की सेवा के लिए लगा दिया था। उनका जन्म तो अल्बानिया में हुआ था, उनकी भाषा भी अंग्रेजी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को ढाला, गरीबों की सेवा के योग्य बनाने के लिए भरपूर प्रयास किए। जिन्होंने जीवन भर भारत के गरीबों की सेवा की हो, ऐसी मदर टेरेसा को जब संत की उपाधि प्राप्त होती है तो सब भारतीयों को गर्व होना बड़ा स्वाभाविक है। 4 सितंबर को ये जो समारोह होगा
उसमें 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से भारत सरकार, हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अगुवाई में एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी वहाँ भेजेगी। संतों से, ऋषियों से, मुनियों से, महापुरुषों से हर पल हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है। हम कुछ न कुछ पाते रहेंगे, सीखते रहेंगे और कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, विकास जब जन आंदोलन बन जाए तो कितना बड़ा परिवर्तन आता है। जनशक्ति ईश्वर का ही रूप माना जाता है। भारत सरकार ने पिछले दिनों 5 राज्य सरकारों के सहयोग के साथ स्वच्छ गंगा के लिए, गंगा सफाई के लिए लोगों को जोड़ने का एक सफल प्रयास किया। इस महीने की 20 तारीख को इलाहाबाद में उन लोगों को निमंत्रित किया गया कि जो गंगा के तट पर रहने वाले गांवों के प्रधान थे, पुरुष भी थी, महिलाएं भी थी। वे इलाहाबाद आए और गंगा तट के गांवों के प्रधानों ने माँ गंगा की साक्षी में शपथ ली कि वे गंगा तट के अपने गांवों में खुले में शौच जाने की परंपरा को तत्काल बंद करवाएंगे, शौचालय बनाने का अभियान चलाएंगे और गंगा सफाई में गांव पूरी तरह योगदान देगा कि गांव गंगा को गंदा नहीं होने देगा। मैं इन प्रधानों को इस संकल्प के लिए, इलाहाबाद आना, कोई उत्तराखंड से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई बिहार से आया, कोई झारखंड से आया, कोई पश्चिम बंगाल से आया, मैं उन सबको इस काम के लिए बधाई देता हूँ। मैं भारत सरकार के उन सभी मंत्रालयों को भी बधाई देता हूँ, उन मंत्रियों को भी बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस कल्पना को साकार किया। मैं उन सभी 5 राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जनशक्ति को जोड़ करके गंगा की सफाई में एक अहम कदम उठाया। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ बातें मुझे कभी कभी बहुत छू जाती हैं और जिनको इसकी कल्पना आती हो उन लोगों के प्रति मेरे मन में एक विशेष आदर भी होता है। 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में करीब 1700 से ज्यादा स्कूलों के 1.25 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से अपने अपने माता पिता को चिट्ठी लिखी। किसी ने अंग्रेजी में लिख दिया, किसी ने हिंदी में लिखा, किसी ने छत्तीसगढ़ी में लिखा, लेकिन उन्होंने अपने माँ बाप से चिट्ठी लिख करके कहा कि हमारे घर में टॉयलेट होना चाहिए। टॉयलेट बनाने की उन्होंने मांग की। कुछ बालकों ने तो ये भी लिख दिया कि इस साल मेरा जन्मदिन नहीं मनाओगे तो चलेगा, लेकिन टॉयलेट जरूर बनाओ। 7 से 17 साल की उम्र के इन बच्चों ने इस काम को किया और इसका इतना प्रभाव हुआ, इतना इमोशनल इम्पैक्ट हुआ कि चिट्ठी पाने के बाद जब दूसरे दिन स्कूल आया तो माँ बाप ने उसको एक चिट्ठी पकड़ा दी टीचर को देने के लिए, और उसमें माँ बाप ने वादा किया था कि फलानी तारीख तक वे टॉयलेट बनवा देंगे। जिसको ये कल्पना आई उनको भी अभिनंदन, जिन्होंने प्रयास किया उन विद्यार्थियों को अभिनंदन और उन माता पिता को विशेष अभिनंदन कि जिन्होंने अपने बच्चे की चिट्ठी को गंभीर लेकर के टॉयलेट बनाने का काम करने का निर्णय कर लिया। यही तो है जो हमें प्रेरणा देता है। कर्नाटक के कोपाल जिला, इस जिले में 16 साल की उम्र की एक बेटी मल्लाम्मा, इस बेटी ने अपने परिवार के खिलाफ ही सत्याग्रह कर दिया। वो तो सत्याग्रह पर बैठ गई। कहते हैं कि उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था और वो भी खुद के लिए कुछ मांगने के लिए नहीं, कोई अच्छे कपड़े लाने के लिए नहीं, कोई मिठाई खाने के लिए नहीं। बेटी मल्लाम्मा की जिद ये थी कि हमारे घर में टॉयलेट होना चाहिए। अब परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं थी, बेटी जीत पर अड़ी हुई थी, वो अपना सत्याग्रह छोड़ने को तैयार नहीं थी। गांव के प्रधान मोहम्मद शाफी, उनको पता चला कि मल्लाम्मा ने टॉयलेट के लिए सत्याग्रह किया है। तो गांव के प्रधान मोहम्मद शाफी की भी विशेषता देखिए, उन्होंने 18,000 रुपये का इंतजाम किया और एक सप्ताह के भीतर भीतर टॉयलेट बनवा दिया।
ये बेटी मल्लामा की जीत की ताकत देखिए और मोहम्मद शाफी जैसे गांव के प्रधान देखिए, समस्याओं के समाधान के लिए कैसे रास्ते खोजे जाते हैं, यही तो जनशक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ भारत ये हर भारतीय का सपना बन गया है, कुछ भारतीयों का संकल्प बन गया है, कुछ भारतीयों ने इसे अपना मकसद बना लिया है, लेकिन हर कोई किसी न किसी रूप में इससे जुड़ा है, हर कोई अपना योगदान दे रहा है। रोज खबरें आती रहती हैं कैसे कैसे नए प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार में एक विचार हुआ है और लोगों से आह्वान किया है कि आप 2 मिनट 3 मिनट की स्वच्छता की एक फिल्म बनाइए, ये शॉर्ट फिल्म भारत सरकार को भेज दीजिए, वेबसाइट पर आपको इसकी जानकारियाँ मिल जाएगी, उसकी स्पर्धा होगी और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जो विजयी होंगे उनको इनाम दिया जाएगा। मैं तो टीवी चैनल वालों को भी कहता हूँ कि आप भी ऐसी फिल्मों के लिए आह्वान करके स्पर्धा करिए, क्रिएटिविटी भी स्वच्छता अभियान को एक ताकत दे सकती है, नए स्लोगान मिलेंगे, नए तरीके जानने को मिलेंगे, नई प्रेरणा मिलेगी और ये सब कुछ जनता जनार्दन की भागीदारी से, सामान्य कलाकारों से। और ये जरूरी नहीं कि फिल्म बनाने के लिए बड़ा स्टूडियो चाहिए और बड़ा कैमरा चाहिए, अरे आजकल तो आपने मोबाइल फोन के कैमरा से भी आप फिल्म बना सकते हैं। आइए आगे बढ़िए, आपको मेरा निमंत्रण है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की हमेशा हमेशा एक कोशिश रही है कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध गहरे हो, हमारे संबंध सहज हो, हमारे संबंध जीवंत हो। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात पिछले दिनों हुई, हमारे राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी कोलकाता में एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की, आकाशवाणी मैत्री चैनल। अब कई लोगों को लगेगा कि राष्ट्रपति को क्या एक रेडियो की चैनल का भी उद्घाटन करना चाहिए क्या, लेकिन ये सामान्य रेडियो की चैनल नहीं है, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, हम जानते हैं बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक ही सांस्कृतिक विरासत को लेकर के आज भी जी रहे हैं, तो इधर आकाशवाणी मैत्री और उधर बांग्लादेश बेतार भी आपस में कंटेंट शेयर करेंगे और दोनों तरफ बंगला भाषी लोग आकाशवाणी का मजा लेंगे। पीपल टू पीपल कांटेक्ट का आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा योगदान है, राष्ट्रपति जी ने उसको लॉन्च किया। मैं बांग्लादेश का भी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि इस काम के लिए हमारे साथ वो जुड़े। मैं आकाशवाणी के मित्रों को भी बधाई देता हूँ कि विदेश नीति में भी वे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने मुझे भले प्रधानमंत्री का काम दिया हो, लेकिन आखिर मैं भी तो आप ही के जैसा का इंसान हूँ और कभी कभी भावुक घटनाएं मुझे जरा ज़्यादा ही छू जाती हैं। ऐसी भावुक घटनाएं नई नई ऊर्जा भी देती हैं, नई प्रेरणा भी देती हैं और यही है जो भारत के लोगों के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरणा देती है। पिछले दिनों मुझे एक ऐसा पत्र मिला, मेरे मन को छू गया। करीब 84 साल की एक माँ जो रिटायर्ड टीचर है, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी। अगर उन्होंने मुझे अपनी चिट्ठी में इस बात का मना न किया होता कि मेरा नाम घोषित मत करना कभी भी, तो मेरा मन तो था कि आज मैं उनको नाम दे करके आपसे बात करूँ। और चिट्ठी उन्होंने ये लिखी कि आपने जब गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए अपील की थी तो मैंने गैस सब्सिडी छोड़ दी थी और बाद में मैं तो भूल भी गई थी, लेकिन पिछले दिनों आपका कोई व्यक्ति आया और आपकी मुझे एक चिट्ठी दे गया, इस गिव इट अप के लिए मुझे धन्यवाद पत्र मिला। मेरे लिए भारत के प्रधानमंत्री का पत्र ये पद्मश्री से कम नहीं है। देशवासियों, आपको पता होगा कि मैंने कोशिश की है कि जिन जिन लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी उनको एक पत्र भेजूं और कोई न कोई मेरा प्रतिनिधि उनको रूबरू जाकर के पत्र दे।
1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पत्र लिखने का मेरा प्रयास है। उसी योजना के तहत मेरा यह पत्र इस माँ के पास पहुँचा। उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब माताओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति का आपका अभियान, और इसलिए मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, कुछ ही वर्षों में मेरी उम्र 90 साल हो जाएगी, मैं एक 50,000 रुपया का डोनेशन आपको भेज रही हूँ, जिससे आप ऐसी गरीब माताओं को चूल्हे के धुएं से मुक्त कराने के लिए काम में लगाना। आप कल्पना कर सकते हैं, एक सामान्य शिक्षक के नाते रिटायर्ड पेंशन पे गुजारा करने वाली माँ जब 50,000 रुपया और गरीब माताओं बहनों को चूल्हे के धुएं से मुक्त कराने के लिए और गैस कनेक्शन देने के लिए देती हो, सवाल 50,000 रुपये का नहीं है, सवाल उस माँ की भावना का है। और ऐसी कोटि कोटि माँ बहनें, उनके आशीर्वाद ही हैं जिससे मेरा देश के भविष्य के लिए भरोसा और ताकतवर बन जाता है। और मुझे चिट्ठी भी उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नहीं लिखी, सीधा साधा पत्र लिखा, मोदी भैया, उस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ और भारत की इन कोटि कोटि माताओं को भी प्रणाम करता हूँ कि जो खुद कष्ट झेल करके हमेशा कुछ न कुछ किसी का भला करने के लिए करती रहती है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष अकाल के कारण हम परेशान थे, लेकिन ये अगस्त महीना लगातार बाढ़ की कठिनाइयों से भरा रहा। देश के कुछ हिस्सों में बार बार बाढ़ आई। राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, स्थानीय स्वराज संस्था की इकाइयों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, नागरिकों ने जितना भी कर सकते हैं करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन इन बाढ़ की खबरों के बीच भी कुछ ऐसी खबरें भी रही जिसका ज्यादा स्मरण होना जरूरी था। एकता की ताकत क्या होती है, साथ मिलकर के चलें तो कितना बड़ा परिणाम मिल सकता है, ये इस वर्ष का अगस्त महीना याद रहेगा। अगस्त 2016 में घोर राजनीतिक विरोध रखने वाले दल, एक दूसरे के खिलाफ एक भी मौका न छोड़ने वाले दल, और पूरे देश में करीब करीब 90 दल, संसद में भी ढेर सारे दल, सभी दलों ने मिलकर के जीएसटी का कानून पारित किया। इसका क्रेडिट सभी दलों को जाता है। और सब दल मिलकर के एक दिशा में चले तो कितना बड़ा काम होता है, उसका एक उदाहरण है। उसी प्रकार से कश्मीर में जो कुछ भी हुआ, उस कश्मीर की स्थिति के संबंध में देश के सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर के एक स्वर से कश्मीर की बात रखी, दुनिया को भी संदेश दिया, अलगाववादी तत्वों को भी संदेश दिया, और कश्मीर के नागरिकों के प्रति हमारी संवेदनाओं को भी व्यक्त किया। और कश्मीर के संबंध में मेरा सभी दलों से जितना इंटरेक्शन हुआ, हर किसी की बात में से एक बात जरूर जगते होती थी। अगर उसको मैंने कम शब्दों में समेटना तो मैं कहूंगा कि एकता और ममता, ये दो बातें मूल मंत्र में रही। और हम सभी का मत है, 125 करोड़ देशवासियों का मत है, गांव के प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक का मत है कि कश्मीर में अगर कोई भी जान जाती है, चाहे वह किसी नौजवान की हो या किसी सुरक्षा कर्मी की हो, ये नुकसान हमारा ही है, अपनों का ही है।